नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाएं, आपके होश ना उड़ जाएं, तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कभी कभार सच्चाई कल्पना से भी ज़्यादा डरावनी होती है। और दोस्तों, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही लोग करने वाले हैं, या यूं कहें तो दोस्तों बड़ी अनहोनी आपके साथ में लोग घटना चाहते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर डाली हैं जिनकी सजा दोस्तों अब तक आप भुगत रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, या फिर यूं कह दे कि जाने अनजाने में गलती से ही कुछ ऐसी बड़ी अनहोनी हुई है जिसकी सजा आपके साथ साथ आपके परिवार को मिलती है। दोस्तों आपको बता दें, इस बारे में आपको अब तक नहीं पता था, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इसे देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और इसमें हैरानी वाली बात तो ये है कि अब तक आपको इस बात को एहसास नहीं है कि किन गलतियों को आप लगातार करते जा रहे हैं। हो सकता है दोस्तों कि आज भी आप उन 5 गलतियों को छोटा समझने की गलती कर रहे हैं। दोस्तों हर एक शुभ घड़ी, हर एक शुभ मौका आपके पास में आकर के भी आखिर क्यों वापस चला जाता है? आपको उसका लाभ प्राप्त क्यों नहीं हो पाता है? आपके दुश्मन थोड़ी सी ही मेहनत में आपसे आगे क्यों निकल जा रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप मन ही मन केवल यही सोचते हैं कि मैंने आखिर कौन सी गलती कर दी जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे आज मिल रही है? आखिर क्यों मेरा काम नहीं बनता? क्यों मैं जीवन भर दूसरों के ऊपर ही निर्भर हूँ और समस्याओं से ग्रसित, और हमेशा जीवन में मुझे और मेरे परिवार वालों को ही क्यों मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, आपको लेकिन इस चीज़ों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिन्हें किसी को भी देने के लिए आप सख्त मना कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जहाँ किसी की मदद करना, किसी को कुछ देना, फ़ायदा पहुँचाना काफ़ी अच्छा कर्म माना गया है, वहीं पर दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देने से आप लोगों को लाभ नहीं बल्कि हानि होती है। क्योंकि दोस्तों जब हम उन चीज़ों को दूसरों को दे देते हैं तो कहीं ना कहीं हम दूसरों की कामयाबी का मार्ग भी खोल देते हैं, और अपनी कामयाबी का मार्ग व सकारात्मक ऊर्जाओं का मुख दूसरों की तरफ मोड़ देते हैं और अपनी कामयाबी का दरवाज़ा हम बंद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका असर ये होता है कि इसका लाभ आपके दुश्मनों को प्राप्त होना चालू हो जाता है और आप जहाँ के तहाँ बस खड़े रह जाते हैं। आपके अच्छे ग्रह, आपके देवी देवता भी फिर आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। इस वीडियो का दोस्तों एक एक जानकारी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, वरना आप अपने जीवन में उस ऊँचाई तक नहीं पहुँच सकते, या फिर उस जीवन को दोबारा कभी नहीं प्राप्त कर सकते जो आपके मन में सोचा है, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आपकी इच्छा है। देखिए, ये बात तो सभी जानते हैं कि आपके वाले राशि के जातक बहुत ही मासूम हैं, बहुत ही भावुक हैं। आप कभी भी अपने दोस्तों के साथ पे, जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनके साथ आप दिमाग की जगह अपने दिल का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ऐसे समय आप अपना दिमाग नहीं लगाते और जितनी भी हो सके आप दूसरे को अपने आगे का उठाकर दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके सामर्थ्य में जितना भी बल है वह सबका उपयोग करके आप दूसरों की सहायता कर देते हैं। दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर आपको आनंद मिलता है। दोस्तों आपकी राशि की एक यही तो सबसे अच्छी बात है कि आप दिल खोलकर दूसरों की सहायता करते हैं, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। चाहे आधी रात को ही क्यों ना आपको मदद के लिए आवाज़ लगाए, आप तुरंत हाजिर हो जाते हैं। दोस्तों इसी वजह से लोग आपका बहुत सम्मान भी करते हैं। समाज में आपका एक विशेष पद है, एक विशेष स्थिति, पोजीशन है आपकी। दोस्तों एक विशेष औहदा है। यही बात अलग है कि दोस्तों आप अंदर अंदर कितनी परेशानी में हैं, अपनी समस्याओं से आप कितना जूझ रहे हैं, इस बात की भनक आप कभी भी बाहरी लोगों को नहीं लगने देते, और न ही इस बात का असर भी बाहर के लोगों पर पड़ता है। तो दोस्तों लोग आपको एक विशेष व्यक्ति के तौर पर ही समाज में सम्मान देते हैं। और दोस्तों आपको भी हम ये सलाह देते हैं कि आप भी अपने दिल की बातों को सब लोगों के सामने इतनी जल्दी जाहिर ना करें। आप भावनाओं में बहकर कभी कभार कुछ बड़ी गलतियां कर देते हैं जिसके बारे में दोस्तों आपको पता नहीं चलता है, फिर जाने अनजाने में आप लोगों को इस बात का एहसास हो जाता है कि आपने सामने वाले को ज़रूरत से ज़्यादा बता दिया है।
लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हम पहले यही सलाह देना चाहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को आप अपना ना समझें। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में जितने भी व्यक्ति हैं वे सारे गलत हों या फिर वे आपका फायदा ही उठाना चाहते हैं। लेकिन आज के समय में दुनिया इतनी मतलबी है कि लोग अपने सगे संबंधियों तक का बुरा कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके अपने होकर के भी पराए हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को इन खास सावधानियों को रखना बेहद ही जरूरी है। और दोस्तों, यदि आपने ये सावधानियां रख ली तो जीवन में नया मोड़ आएगा। जी हाँ दोस्तों, एक नया मोड़ आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, निजी हो या फिर पेशेवर जिंदगी, घरेलू कामकाज हो या फिर कोई भी कामकाज, मनचाहे परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। इसलिए इन खास सावधानियों को रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको एक और चीज बता दे, कहते हैं कि जब हमारा अच्छा समय होता है, जब हमारा सुख होता है, जब हम सुखी होते हैं, तो हमारे पास में हजारों लोग हमारे आसपास होते हुए मंडराते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब हम बहुत दुख में होते हैं तो कोई भी हमारे आसपास भटकना भी पसंद नहीं करता है। तो दोस्तों, इस समय आपको बता दे कि अच्छे इंसानों की और बेकार इंसानों की परख करने का है। जो व्यक्ति दुख के समय में भी आपके साथ में रहे, कोई भी परिस्थिति रहे, वह कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चले, वही दोस्तों आपका सच्चा मित्र है। उसे आप दोस्तों धोखा देने की गलती ना करें। परंतु दोस्तों, जो केवल सुख के समय आपके पास में रहे, वह दोस्तों आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, कभी भी व्यक्ति आपको वह धोखा दे सकता है, कभी भी महत्वपूर्ण परिस्थिति में आपका साथ छोड़ सकता है। उसे आप अपने साथ रखेंगे, लेकिन वह दोस्तों हमेशा आपकी अपेक्षाओं का मान नहीं रख सकते हैं। ये उन लोगों के पास में चले जाते हैं, ऐसे व्यक्ति जो आपके जीवन में सबसे बड़े दुश्मन हो, जिसे आप मानते हो। जी हाँ दोस्तों, उनके साथ ही ये व्यक्ति हाथ मिला सकते हैं व आपके खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इंसान वह है जो आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। इसलिए दोस्तों, इनसे जितना हो सके आपको दूर रहना चाहिए। दोस्तों, एक और चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि आप जाने अनजाने में अपने माता पिता का अनादर कर देते हैं, लेकिन ये कार्य आपको गलती से भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों से भी दूर रहिए जो माता पिता का अनादर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगी कि आज के दौर में हमें ऐसे कई सारे लोग देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने शायद अपने माता पिता की सेवा की हो। आप उनकी परीक्षा तो ऐसे ही ले सकते हैं कि दोस्तों, क्या वे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, मानते हैं उन्हें। अगर दोस्तों करते हैं तो ये काफ़ी एक अच्छे इंसान हैं। परंतु यदि अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपकी बर्बादी का बड़ा कारण बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहीं से उनकी परवरिश का पता लग जाता है। दोस्तों, यहीं से उनके संस्कारों का भी पता लग जाता है। दोस्तों, हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ में नहीं रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति पर हमें भरोसा गलती से भी नहीं करना है जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जिंदगी के हर मुकाम पर अपने माता पिता के साथ यदि नहीं हुआ तो दोस्तों वह व्यक्ति आपका साथ क्या दे सकता है। किसी भी हाल में आपको वह व्यक्ति धोखा दे सकता है, तो उससे ज़रा थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा सतर्क रहें। माता पिता से झगड़ा करने वाले जवान बेटे हमें काफ़ी मिल जाएंगे। परंतु दोस्तों, आपको बता दें कि आप भी ध्यान रखें कि उनके बुढ़ापे में बहुत ही कम व्यक्ति ही होंगे जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हों। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, उसे काफ़ी सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, तीसरे नंबर पर जिस व्यक्ति का आपको साथ छोड़ देना है, अपनी बुरी आदतों का धोखा देने वाला इंसान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि बात को आपने गंभीरता से सुना है तो आप समझ पाएंगे कि इस दुनिया में हमें कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी बुरी आदतों को ढकने के लिए या फिर किसी भी तरह से उसे सही ठहराने का भी प्रयास किया है। दोस्तों, यदि मान लीजिए कि वह व्यक्ति शराब पीता हो या फिर कोई भी गलत कार्य करता हो, तो दोस्तों कहेंगे कि शराब तो अच्छी चीज़ है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं है। या फिर दोस्तों वे ये भी कह सकते हैं कि धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं, तो वो ये कहेंगे कि ये कार्य काफ़ी अच्छा है, वे अपनी किसी भी काम को सही ही ठहराएंगे। दोस्तों, तो सोचिए ऐसे लोगों से
यदि आप भी जुड़े रहेंगे ऐसे लोगों के जीवन में, दोस्तों आप रहेंगे तो वह व्यक्ति कैसे आपको सही सलाह दे सकते हैं, कैसे आपको सही मार्ग पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोग दोस्तों चाहिए कि ऐसे लोगों की ज़रूरत हमारे जीवन में नहीं है, इसीलिए हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमें उचित मार्ग पर चलना सिखाए, आगे बढ़ना सिखाए, हमेशा अच्छा सिखाएं और दोस्तों उस तरक्की वाला कुछ बात सिखा सकें, ये ना कि हर बात को लेकर के वे मजाक उड़ाएं आपकी और दोस्तों हर किसी के बड़ी समस्याओं में भी आपको फंसाने की साजिश कर सकें। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिए। अगले नंबर पे जो व्यक्ति आते हैं वे बड़े ही चतुर चालाक हैं। वे दोस्तों कौन इंसान हैं ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वे हैं दोस्तों अहंकारी घमंडी इंसान। यदि आप अहंकारी घमंडी इंसान के सानिध्य में रहने की गलती करते हैं तो उससे अभी अपना रिश्ता तोड़ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, खुद को दूसरों से जो लोग बेहतर समझते हैं ये लोग अहंकारी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अहंकारी लोगों की भरमार इस दुनिया में है। आगे जो हम बात बोलने वाले हैं वे आपका दिल जीत लेगी, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ऐसे लोग आपको बता दें कि ये व्यक्ति अपने आप को सबसे बढ़कर समझते हैं। ये लोग अपने आप को ही सबसे बेहतरीन मानते हैं। विधाता परमेश्वर ने सभी को दो हाथ, दो कान, एक नाक, एक दिमाग और दोस्तों बना करके भेजा है। ज़्यादा पढ़ने, सोचने या फिर धन अर्जित करने से कोई भी दूसरों से बेहतर नहीं बन सकता है। फिर भी दोस्तों आपको ये अपने पास पास कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो घमंड दिखाने के ही कार्य कर सकते हैं। ये दोस्तों बात अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को भी पता है, वह भी ये बात जानते हैं कि उनके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी वह लोगों के सामने दिखावा करने की गलतियाँ करते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि जिसका खुद का कुछ भी नहीं होता है तो वह आखिरकार आपके क्या ही भला कर सकते हैं। तो आपको भी बता दें ये व्यक्ति आपको भी एक दिन बर्बाद करके रख सकते हैं, ये लिख कर रख लीजिए। आपको दोस्तों हमने ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है, ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया है जिन लोगों से रिश्ता आपको अभी तोड़ देना है। यदि दूर रहेंगे दोस्तों तो जीवन में आप तरक्की कर पाएंगे, यकीन मानिए दोस्तों। दोस्तों अब कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो बेहद ही सावधान आपको कर सकती हैं। दोस्तों निवेश में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। बिना सोचे समझे निवेश करने की गलती किसी भी कीमत पर ना करें। घर के बड़े बुजुर्गों से आप सलाह मशवरा करें, तभी दोस्तों आप अपने जीवन का कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से भी दोस्तों आप किसी बड़ी डील को फाइनल करने का मौका मिल सकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें आज का दिन ऊर्जावान रहने वाला है। आपको दोस्तों अपनी ऊर्जा का सही कामों में उपयोग करना पड़ेगा। आप लोगों को दोस्तों व्यवसाय में इधर उधर खाली बैठकर समय व्यतीत ना करें। दोस्तों इसका असर आपके कामों पर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। परिवार में दोस्तों किसी सदस्य के विवाह के बाद पक्की हो सकती है। दोस्तों आप छोटे बच्चों के लिए कोई वस्तु खरीद कर ला सकते हैं। दोस्तों जीवन साथी को तरक्की करके देखने के बाद में आप लोगों को काफ़ी हद तक खुशी महसूस होने वाली है। माता पिता के आशीर्वादों से भी आपको किसी बड़ी डील को फाइनल करने का भी मौका मिल सकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आज का दिन आप लोगों के लिए किसी नए काम की शुरुआत करने का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दोस्तों पिताजी को आज आप कोई आँखों से संबंधित समस्या के लिए दोस्तों डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, जिसमें आप दोस्तों ढीले ना हो। आपके किसी नए काम को दोस्तों पढ़ाई लिखाई करने की आप लोगों को दोस्तों नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये आपके लिए फ़ायदा रहेगा। व्यवसाय में भी दोस्तों आप किसी से बहुत ही तोल मोल कर बोल सकते हैं, नहीं तो दोस्तों उन्हें आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। दोस्तों घूमने फिरने के दौरान भी आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपके दोस्तों किसी बचपन के मित्र से आपकी लंबे समय बाद मुलाकात होगी, ये दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस समय दोस्तों आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य में लिहाज से देखा जाए तो दोस्तों ये काफ़ी नर्म गर्म रहने वाला है। दोस्तों आज आपको काम के साथ साथ कुछ नए कार्य करने का भी मौका मिल सकता है। नए मेहमान आपके घर आ सकते हैं। किसी परिजन का आगमन होगा जिसमें दोस्तों परिवार के सभी सदस्य व्यस्त नज़र आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप किसी को भी धन उधार देने इसकी गलती ना करें, नहीं तो दोस्तों आपके पास से धन के वापस आने की संभावना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।